राम राम मेरे सारे भाई ने, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई आज ब्लॉग बनने जा रहा है दिल्ली से बेंगलोर तक का। भाई फर्स्ट टाइम है ट्रैवलिंग का फ्लाइट में, तो भाई जा रहे हैं अभी एयरपोर्ट पे। सुबह 5:30 का जाना है, पहुंचना है वहां तक। तो पहले वहां लॉन्ज में रुकेंगे, तो फिर फ्लाइट है 7 बजे की, उसमें जाएंगे। तो आपको दिखाते हैं कि फरीदाबाद से निकल चुके हैं, हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से सीधा जाएंगे हम एम्स हॉस्पिटल के पास, दोस्त को उठा के, वो छोड़ेगा हमें एयरपोर्ट। रात को वहाँ पे सिटी है, उसके बाद सुबह फ्लाइट है। वहाँ से फिर सीधा 2-2.5 घंटे की फ्लाइट है बेंगलोर के लिए। आपको बेंगलोर का भी ब्लॉग बनाएंगे, वहाँ पे जाके प्लेसेस दिखाएंगे घूमने के, कौन कौन से प्लेसेस हैं। तो भाई अभी फरीदाबाद से निकलते हैं, दिल्ली में एंटर होके सीधा फिर एम्स हॉस्पिटल। तो भाई गाड़ी पैक कर रहे हैं, गाड़ी को पैक करके जाएंगे सीधा एयरपोर्ट। यहाँ से कॉफ़ी पी हम निकलते हैं एयरपोर्ट, आपको एयरपोर्ट। तो भाई एयरपोर्ट में अंदर आ गए हैं, तो इसके बाद बैग कराएंगे चेक इन। चेक इन के बाद हम अंदर जाएंगे, देखते हैं अभी अंदर जाके क्या होता है। तो भाई लगेज वहाँ पे रख दिया है, हमारी एंट्री होगी। यहाँ पे आर्मी का बहुत सख्त पहरा है, हर एक मिनट मिनट पे चेकिंग है। चेकिंग यहाँ पे होके हम जाएंगे अपना साइट नंबर गेट पे। ये साइट नंबर गेट बहुत आगे चल के, अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। वैसे तो पैदल का रास्ता तो बहुत दूर है, यहाँ से काफ़ी चलना पड़ेगा तब जाके रास्ता आएगा, पर भगवान का शुक्र है ये चीज़ मिल गई, इससे चल चल के थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे, नहीं तो बहुत टाइम लगता, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें पहुँचने पे ना, साइट नंबर गेट पे। आगे चल के भाई इतना चलना पड़ा, इतना चलना पड़ा, साइट नंबर गेट बिल्कुल लास्ट में था। हम पहुंच गए गेट नंबर पे, यहाँ पे साइट पे, यहाँ पे साइट नंबर गेट पर पहुंच के अभी टाइम लगेगा। ये प्लेन खड़ा हुआ है यहाँ पे, इसी प्लेन में जाना है हमें एयर एशिया के में, तो अभी टाइम लगेगा। यहाँ से कम 1.5-2 घंटे बैठना पड़ेगा, तब जाके स्टाफ आएगा, वो एंट्री कराएगा। यहाँ से फिर हम जाएंगे फ्लाइट में इस साइट नंबर गेट, और यहाँ से अब हम आ गए अपनी फ्लाइट पे। ये फ्लाइट लग चुकी है हमारी, थोड़ी देर में अंदर होके जाएंगे इसमें। बाहर से अभी बंद है क्योंकि अभी गेट खाली था ना, इस वजह से इसी में से जाना पड़ेगा। अगर बाहर ये खाली नहीं होता तो हम बस में जाते। तो ये फ्लाइट रेडी है उड़ने के लिए, ये देखो ये घूम के ऐसे आएगी, घूम के रनवे से घूम के फिर वापस आके फिर सीधा उड़ेगी। बहुत दिन में कम से कम मिनट में फ्लाइट उड़ती है यहाँ से, हर एक मिनट में। ये देखो फ्लाइट ये उड़ी है, उड़ी काफ़ी फ्लाइट उड़ती हैं दिन में। दिल्ली एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, कोई इसमें शक नहीं है कि छोटा एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। मन तो करता है भाई उड़ाने का इनको, पर क्या करें, दूर से देख के काम चलाना पड़ रहा है। ये तो बहुत मन करता है कि जैसे हम भी फ्लाइट उड़ाएं, पर कोई ना कभी एक साथ देखते हैं। वो पीछे इस जन्म में ना तो अगले जन्म में तो उड़ाएंगे, ये जन्म ऐसे ही सही। ये देखो फ्लाइट वो मुड़ के, आपको जो बोली थी ना मैंने फ्लाइट वो मुड़ के वापस आ रही है, इधर इधर मुड़ के वापस आएगी। तो भाई हम चलते हैं अपने अंदर फ्लाइट में। तो भाई फ्लाइट में आ गए हम अंदर, फ्लाइट में अंदर आने के बाद अभी कुछ सुरक्षा सुविधा, बल्ब में आते ही ये बत्ती जल जाएगी और ये सीटी ध्यान आकर्षित करने में आपकी सहायता करेगी। इवैक्यूएशन स्लाइड्स हर द्वार पर मौजूद हैं। इस विमान पर 8 आपातकालीन द्वार हैं, 2 विमान के पिछले हिस्से में, 4 ओवर विंग पर और 2 द्वार विमान के अगले हिस्से में।
याद रहे आपका नजदीकी द्वार आपके पीछे भी हो सकता है। विमान में धुआं मौजूद होने पर फर्श पर लगी फ्लोरोसेंट मान आपको निकटतम द्वार तक पहुंचाने में मदद करेगी। सुरक्षा निर्देश पत्र आपके सीट पॉकेट में रखा है, इसे ध्यान से पढ़ लें। जो अतिथि ओवरविंग द्वारों पर बैठे हुए हैं उनसे निवेदन है कि वे इन द्वारों की संचालन विधि को ध्यान से पढ़ें और समझ लें। धन्यवाद। Dear guests, may we have your attention please? Is your seat belt to fasten? Insert the metal tip into the buckle and tighten the belt by pulling the strap. To open, lift the flap and pull the ends apart. Whenever the seat belt sign is on, you must return to your seat and fasten your seat belt securely. Should an oxygen mask like this automatically drop from the compartment above you, immediately pull the mask firmly towards you. Place the mask over your nose and mouth and breathe normally. Place your own mask first before assisting others under your care. Your life jacket is under your seat. To use it, slip it over your head like this. Clip on the waistband and pull it tight. At the exit before leaving the aircraft, pull the red tag to inflate your life jacket. Do not inflate your life jacket until you are at the exit, as this would slow down the evacuation flow. Your life jacket has an oral tube for further inflation. The light comes on when in contact with water, and here's a whistle to attract attention. Evacuation slides are located at all exits. There are 8 emergency exits on this aircraft. 2 main doors in the rear of the aircraft, 4 over the wings, and 2 main doors in the forward of the aircraft. At this time, please note the emergency exit closest to you. Remember, the closest exit may be behind you. If smoke is present, please keep low and follow the fluorescent path to the nearest exit. A copy of this safety information card is placed in the seat pocket in front of you. Please read it carefully. Guests seated next to an emergency exit are requested to study the operation of these exits in the safety information card. Thank you for your attention. तो भाई रनवे से फ्लाइट निकल गई है, ये इस रनवे से मेन रनवे पर जाएगी जहाँ से फ्लाई होगी। अब आपको आगे चल के दिखाता हूँ। इसमें ना एक जगह प्राइवेट प्लेन्स खड़े होते हैं, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे सबके प्राइवेट प्लेन्स खड़े रहते हैं। यहाँ पे कोई भी सेलिब्रिटी हो यहीं से फ्लाई करके जाता है। देखो सारे ये प्राइवेट प्लेन्स हैं, ये सारे बहुत अंदर तक हैं। इधर भी अंदर भी खड़े हुए हैं, कुछ बाहर भी लगे हुए हैं, कुछ छोटे हैं बहुत ज़्यादा, पर पुराने बहुत हैं ये प्लेन्स ना, बहुत ज़्यादा पुराने हैं। तो भाई मेन रनवे पे आ गए हैं, यहाँ से अभी ये स्पीड बढ़ाएगा, स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा तब जाके फ्लाई होगा। अभी तो स्पीड धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा, कम से कम होगी 200-300 की स्पीड होगी कम से कम आराम से। ये ना जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी ना ये अपने आप उड़ जाएगा ऊपर, एक साथ स्पीड बढ़ेगी इसकी। मुझे तो डर सा लग रहा है, पता नहीं कैसा होगा पहला एक्सपीरियंस। ये ऊपर थोड़ी बहुत देर में ऐसे चलता रहेगा, फिर ऊपर फ्लाई करेगा भी। बड़ा है पीछे से भी, अभी बहुत रास्ता है। ये हो गया फ्लाई, धीरे धीरे देखो व्यू, देखो व्यू, अभी देखो व्यू, देखो इतना छोटी दिल्ली दिख रही, बिल्कुल छोटी छोटी दिख रही सब कुछ। अभी और ऊपर जाएगा तब बहुत ज़्यादा और ज़्यादा छोटी हो जाएगी। भाई ये है 300 रुपये की कॉफ़ी, 300 रुपए की कॉफ़ी और 550 का शायद वो उसका चावल का पैकेज है जो भी, इसमें मील होती है पूरी। देखो आप पैकेज देखो,
मंचूरियन और चावल मैडम जी के लेके आए हैं, बस इतना मिलता है 500, 550 का एक है, 550 का एक होता है, बताओ। वही वाली बात है, ये इसके पैसे नहीं, हवा में खाने के पैसे हैं ये। खाना ख़त्म करके आपको ले चलते हैं बाहर की तरफ, देखो कुछ दिखना ही बंद है, बस ऊपर बादल दिख रहे हैं बस, कि हाँ ऊपर बादल है बस, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा बादलों के अलावा। तो भाई बेंगलोर पहुंच गए हैं हम, 2 घंटे 20 मिनट का टाइम लगा, काफ़ी टाइम, परेशान हो गए बैठे बैठे यहाँ पे। अभी ये बेंगलोर की लोकेशन है, यहाँ पे अभी तो थोड़ी दूर है, अभी वहाँ से ये जैसे टर्न लेता है ना, ये बार बार टर्न लेता है एरोप्लेन, टर्न लेता है तो ऐसा लगता है कि इधर साइड गए, कभी इधर साइड गए। यहाँ से अब थोड़ी दूर चल के आगे वहाँ पे लैंड होंगे, उसके बाद एयरपोर्ट से जाके फिर होटल में जाएंगे। यहाँ से अभी ये नीचे आने लगा, और नीचे थोड़ा थोड़ा करके नीचे ये एयरपोर्ट है, ये अब थोड़ी आगे चल के यहाँ पे लैंड होगा। अब ये नीचे नीचे और नीचे जाने लगा, अब होगा ये धीरे धीरे ऐसे। अरे एक साथ झटका लगा, बहुत तेज ऐसा लगा कि बहुत तेज झटका लगा जब ये नीचे लैंड हुआ ना, तो एक साथ ये कम से कम 1000 की स्पीड होगी, कम से कम इतनी स्पीड से चल रहा है, अब एक साथ 0 पे आएगा, 1000 की स्पीड से एक साथ 0 पे। यहाँ पे देखो अब जाके रुका है ये, फिर यहीं से जाएंगे हम, ऐसे ही गेट लगा हुआ जैसे वहाँ पे था ना दिल्ली में, यहाँ पे भी ये आगे बढ़ता हुआ आएगा, हमारा प्लेन यहीं पे खड़ा रहेगा, ये बढ़ता हुआ आएगा। चलो अंदर आ गए हम, अब चल रहे हैं होटल, होटल जाना है, यहाँ से कैब आएगी लेने। ये यहाँ से बाहर निकल रहे हैं अराइवल से, ये आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये हाथी बने हुए हैं ना, ये टोकरी बनती है ना उनसे, सारा बांस का काम है सारा, इस बेंगलोर वाले एयरपोर्ट में बहुत बांस का काम हुआ पड़ा है, ये सब कुछ बांस से बना हुआ है, ये भी टेबल भी वहाँ पे अंदर भी बना हुआ है, वहाँ पे बांस से बना हुआ है सब कुछ। देखो जैसे जैसे चलते हैं आपको दिखाते हैं, वो टेबल वो सामने काउंटर दिख रहा, वो भी बांस का बना हुआ है, बांस के जो डंडी होती है ना निकल के आती हैं, जो उनसे हाथ की कारगरी से बना हुआ है ये। वेलकम टू बेंगलोर, तो बेंगलोर आ चुके हैं हम, बेंगलोर। तो कैब वाला भाई नीचे आ चुका है, अब चलेंगे सीधा हम होटल, होटल कपड़े चेंज करके कुछ खाएंगे। तो हम होटल आ चुके हैं, देखो होटल, देखो ये बड़ा प्यारा होटल है, देखो होटल बेड, ये यहाँ से साइड से फ्लाईओवर दिखता है, ये रोड के बिल्कुल सिटी के बीच में ही है, बिल्कुल काफ़ी अच्छा होटल है ये वैसे।